अच्छा, भगवान ने उस समय इनको सुंदरी बोला था, सुंदरी बोला था, तो सुंदरी के नाम से सुंदरी थी नहीं उस समय। हाँ, तो वो चिड़ लगी। हाँ, बोले कि हम सुंदरी कहाँ आए, कुबड़ी थी, डंडा लेके चल रही थी, एक हाथ में डलिया थी उनके, और शरीर भी ऐसे था, शरीर बहुत वृद्ध में, जब उनके चंदन लगाया तो वो एकदम से सुंदर हो गई। आज उसके स्थान की जब आप स्थिति देखते हैं तो बड़ा दुख होता है हमें ये देख के कि आप कृष्ण कब्जा मंदिर का ये जो मेन रास्ता देख रहे हैं, ये सीढ़ियों की हालत देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जस्ट रेलवे लाइन के बगल में ये स्थान है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि भक्त लोग यहाँ पर अपने भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य लीला का, यहाँ पर की कब्जा ये देखिए आप। लेकिन आज ये मंदिर कहीं विलुप्त सा होता जा रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, क्योंकि हमको मथुरा में पहली बार पता लगा ये कब्जा मंदिर भी है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा। मथुरा में भगवान कृष्ण से संबंधित एक ऐसी लीला का आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। जब उस लीला को आप यहाँ जब दर्शन करेंगे, यकीनन आप बहुत धन्यवाद करेंगे ब्रज दर्पण चैनल का, क्योंकि आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कंस की दासी कुब्जा और भगवान कृष्ण की भक्त कुब्जा के, आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं कुब्जा का घर, जो कि मथुरा में आप सभी ने कृष्ण लीला में देखा होगा कि किस तरह से कंस के लिए जो चंदन लेके गई थी, जो कुबड़ा 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 करके उसका नाम था, जिसे हम कुब्जा के नाम से जानते हैं, भगवान कृष्ण ने इसी रास्ते के सारे, कैसे परिक्रमा के सारे रास्ते में जब वो कुब्जा मिली तो उन्होंने कैसे कुब्जा का उद्धार किया, आज हम आपको कुब्जा का घर मथुरा में दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद हमको उधर जो परिक्रमा मार्ग है, जिस रास्ते से भगवान श्री कृष्ण आए थे, और उसी रास्ते के दूसरे छोर से जब कुब्जा आई है, तो कुब्जा जो चंदन लेके अपने जो कंस था उसके लिए जो इत्र का चंदन लेके जाती थी, आज भगवान कृष्ण ने जब उनको रोका है, ये वही स्थान है। आइए आपको हम आगे दर्शन कराएं, जो कि कृष्ण कुब्जा मंदिर के नाम से मथुरा में ये प्रसिद्ध है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर ये पूरा व्यूज है, रेलवे लाइन के हम आसपास हैं, और इसको क्रॉस करने के बाद हम नीचे जाएंगे, और जब हम मां नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो दर्शन होगा वो परिक्रमा मार्ग होगा, जिसमें कुब्जा चंदन लेके कृष्ण कंस के लिए जा रही थी, तब भगवान कृष्ण ने जहाँ रोका। आइए चलते हैं और किस तरह का दर्शन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जय हो, थोड़ा संभल के आना, ये प्रॉपर मथुरा है, और मथुरा में जो इसका जो एड्रेस है वो होली गेट के पास में, होली गेट के पास में आप कृष्ण कुब्जा मंदिर के नाम से देख सकते हैं। इस समय यही वो परिक्रमा मार्ग था, यही वो स्थान था जहाँ से कुब्जा कंस के महल के लिए वो चंदन लेके जा रही थी, तो भगवान कृष्ण यहाँ पर उनको मिले हैं, और मिलने के बाद कैसे भगवान कृष्ण ने उनसे सुंदरी सुंदरी कहना शुरू किया। भगवान कृष्ण की लीलाओं में से एक लीला कैसे कृष्ण कुब्जा लीला, जो आप सब जानते हैं कुब्जा के शरीर को कैसे यौवन बनाया भगवान ने, और वो स्थान आप देख सकते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण कुब्जा कृष्ण मंदिर लिखा हुआ है, और अति प्राचीन मंदिर है, और मंदिर की जो अंदर का दर्शन है उसको हम दर्शन करें, लेकिन उससे पहले आप मुख्य द्वार देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये कुब्जा और भगवान कृष्ण के मिलन की स्थली है, और मंदिर के मुख्य द्वार पर जब आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर को देखेंगे आप, तो अति प्राचीन स्ट्रक्चर है, और किस तरह का यहाँ पर ये मिला हुआ है, और मंदिर का जो मुख्य स्तंभ जो ये बनाया गया है, ये तो बाद में बना हुआ है, वो अति प्राचीन है, और मंदिर काफ़ी प्राचीन है। आइए चलते हैं और आपको अंदर लेके चलते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कुब्जा का मंदिर है। आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराएं। मंदिर में हम एंट्री करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मंदिर की स्थिति इस समय क्या है। भगवान कृष्ण की जो अनन्य लीलाएं मथुरा में हुई हैं, कैसे कंस को भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में मारा है, और कंस की ही दासी कहा जाता था इस कुब्जा को, जो कि भगवान कृष्ण को इसी स्थान पर मिली, और यहाँ पर कैसे उस कुब्जा उबड़ खाबड़ कुब्जा को सुंदर बनाया भगवान श्री कृष्ण ने। आज उसके स्थान की जब आप स्थिति देखते हैं तो बड़ा दुख होता है हमें ये देख के कि आप कृष्ण कुब्जा मंदिर का ये जो मेन रास्ता देख रहे हैं, ये सीढ़ियों की हालत देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे विचार से इस मंदिर को कम से कम इतना सुंदर तो होना चाहिए था कि जब भक्त अपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अध्ययन करें, आनंद लें, तो वो यहाँ आकर कम से कम ये स्थान, ये देखिए आप,
स्थिति देखिए इस मंदिर की क्या है। तो ये प्राचीन मंदिर है, ये देख सकते हैं ककरैया ईंट इसमें लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि मंदिर नया है, प्राचीन मंदिर है। और प्राचीन मंदिर में जो दर्शन है और जिस तरह का हम दर्शन कर पा रहे हैं, और ये देखिए श्री कुब्जा कृष्ण भाव मंदिर, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और कुब्जा की जो दिव्य लीला हुई है आज भी उसका साक्षी है ये स्थान। जब हम और आप इस मंदिर में यहाँ पर आए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इस स्थान की वीडियो को इतना शेयर कीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और उन लोगों को जब पहुँचेगा तो कम से कम इस स्थान का जो स्थिति आप देख रहे हैं, इस स्थान की स्थिति बदले, ये मंदिर की स्थिति बदले, ऐसा हम आपसे चाहते हैं। मंदिर का प्रांगण आप देख सकते हैं कैसे खंडर के रूप में यहाँ पड़ा हुआ है, और बगल में रेलवे लाइन है, आप देख सकते हैं जस्ट रेलवे लाइन के बगल में ये स्थान है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि भक्त लोग यहाँ पर अपने भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य लीला का, यहाँ पर की कुब्जा, ये देखिए आप ये किस तरह का यहाँ पर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। हमारा आपसे बार बार निवेदन है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि इस मंदिर का निर्माण एक सुंदर तरीके से हो जाए, कि आने वाले हमारे जो भी सनातन धर्म में हमारे भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, उनकी एक दिव्य लीला जिसे हम कुब्जा के नाम से जानते हैं। अब हमने और आपने सीरियल में भगवान श्री कृष्ण के सीरियल में देखा होगा कि किस तरह से कुब्जा और भगवान श्री कृष्ण का जो मथुरा में मिलन हुआ था, जो लीला हुई थी, ये वही स्थान है। और जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये मंदिर अपने आप में दयनीय मंदिर है। ये देखिए पूरा छोटा सा इतना परिसर है मंदिर का, और इस मंदिर में कुछ भी खास नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आइए अंदर किस तरह का दर्शन है उसका हम आपको दर्शन कराएं। ये देखिए जब हम और आप मंदिर में एंटर करते हैं तो जिस तरह का दर्शन है, जिस तरह का मंदिर है, मंदिर की जो स्थिति है आप देख सकते हैं ये किस तरह का, ये पूरा प्राचीन मंदिर है। और मेरा आपसे निवेदन बार बार यही है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस वीडियो को इतने भक्त लोगों में, कृष्ण भक्त हो चाहे राम भक्त हो, जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में इस स्थान पर भक्तों का जमावड़ा हो। जब वो जमावड़ा होगा तब इस मंदिर का स्थिति बदलेगी और ये मंदिर सुंदर भी बनेगा, ऐसा हमारा उद्देश्य है। आज इस कुब्जा के स्थान पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण और कुब्जा का ये कहते हैं कि मिलन की जगह है, और जो दर्शन है ये देखिए कितना सुंदर तरीके से इस मंदिर को यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन आज ये मंदिर कहीं विलुप्त सा होता जा रहा है, ऐसा हम प्रतीत होता है, क्योंकि हमको मथुरा में पहली बार पता लगा ये कुब्जा मंदिर भी है। जबकि लोग जन्मभूमि आते हैं, कंस टीला तक पहुंच जाते हैं, अनन्य दर्शन, द्वारकाधीश, विश्राम घाट, ये सब दर्शन करते हैं, यमुना जी के दर्शन करते हैं, लेकिन उस दर्शन को कैसे भूल जाएं जहां कुब्जा और भगवान श्री कृष्ण की ये दिव्य त्रेता युग से सुपर खां थी पहले ये कुब्जा, और सुपर खां के बाद अगले जन्म में कृष्ण के अवतार में जब ये कुब्जा बनी है, तो ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण, और आज उनके बगल में कुब्जा महारानी यहाँ पर विराजमान है। ये पहला दर्शन है पूरे ब्रजमंडल का जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बगल में जो कुब्जा हैं, जो अनन्य भक्त भगवान श्री कृष्ण की, और कहते हैं कंस की दासी थी, और जब भगवान श्री कृष्ण की इन पर कृपा हुई तो इनको विश्व सुंदरी यानी कहते संसार का सबसे सुंदर शरीर भगवान ने इनको दिया। हमारे संग हमारी मैया हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे, मैया से जो कि यहाँ पर ये पूजा पाठ झाड़ू पोंछा वगैरह इस मंदिर की करती हैं। आप देख सकते हैं जो इनसे यथासंभव हो सके वो सेवा ये यहाँ पर संभाले हुए हैं। तो आइए मैया से भाव लेते हैं इस स्थान पर। मैया राधे राधे। राधे राधे। कब से मैया आप इस स्थान पर हैं? काफ़ी समय से हैं, मतलब बचपन से ही यहीं हैं। बचपन से आप इसी मंदिर को देखते आ रहे हैं? हाँ देखते आ रहे हैं, बिल्कुल। बहुत पुराना मंदिर है, आज नया मंदिर नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है। मैया जो स्थिति हम देख पा रहे हैं जी, किस तरह से सेवा कर पाते होंगे आप, क्योंकि कोई स्थिति यहाँ सही नहीं है? अब वो जैसे भी होती है, ठाकुर जी की सेवा तो होती ही है बस। आप करते हैं सेवा? अब सेवा पानी इस समय तो हम ही कर रहे हैं। आप ही कर रहे हैं? हाँ। तो आप क्या काम करते हैं, आपका काम धंधा क्या है? हमारा तो मिट्टी का काम है। मिट्टी का काम? हाँ, मूर्तियों का काम। मूर्तियों का काम है। तो जैसे पूजा पद्धति में जो सामान लगता है ठाकुर जी की सेवा में लगता है, क्योंकि मंदिर की स्थिति तो इतनी है नहीं है कि यहाँ भक्त लोगों को पता भी हो, कोई ऐसा आकर्षण इस मंदिर में बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की सेवा में जो जो आर्थिक जो लगता है, जो भी पैसा लगता है, वो आप ही वहन करते हैं इसको? नहीं, हम भी करते हैं और वो भी करते हैं। अच्छा। ऐसी बात नहीं है, वो भी करते हैं आके। वो भी यहाँ पर करते हैं? वो भी करते हैं आके।
तो मतलब इस मंदिर की व्यवस्थाओं को संभाले हुआ है जैसे तैसे। बिल्कुल जैसा भी है मैं संवारे हुए हैं खूब अच्छी तरह से। ये नहीं है कि अब जितना अकेले आदमी कर पाएगा उतना ही करते हैं, वो भी अकेले। तो भगवान कृष्ण कितनी दिव्य स्थली है, थोड़ा यहाँ के बारे में बताओ कि किस तरह की लीला हुई यहाँ पे भगवान कृष्ण। अब ये तो मैया बहुत पुरानी है, कुब्जा मैया ये कंस किला पास में तो है ही है। तो मैया चंदन लेके जा रही थी, भाई हम तो इतने पुराने नहीं है लेकिन हमने लीला सुनी है वही हम बता रहे हैं आपको। तो मैया चंदन लेके जा रही थी तो भगवान कृष्ण भगवान ने यहीं घेर लिया। परिक्रमा मार्ग है ये, पुराना परिक्रमा मार्ग है। अच्छा नीचे वाला जो, हाँ ये परिक्रमा मार्ग है, पुराना है। कृष्ण भगवान यहीं है, कोई परिक्रमा दी थी उन्होंने तो वो ये घेर लिया कि हम चंदन आज हमको लगाओगे, आज उनके नहीं लगाओगे जाके। कि नहीं नहीं मेरे को वहीं जाने दो। कि नहीं मैया कुबड़ी तो हती, तो बोली कि नहीं हमारे चंदन लगाओ। तो मैया को चंदन लगाया, भगवान ने उनको सही कर दिया, दोनों यहीं अपने बैठे हुए। अच्छा भगवान ने उस समय इनको सुंदरी बोला था, सुंदरी बोला था तो सुंदरी के नाम से सुंदरी थी नहीं उस समय। हाँ तो वो चिड़ लगी। हाँ बोले कि हम सुंदरी कहाँ आए, कुबड़ी थी डंडा लेके चल रही थी, एक हाथ में डलिया थी उनके, और शरीर भी ऐसे ही था, शरीर बहुत वृद्ध में। जब उनके चंदन लगाया तो वो एकदम से सुंदर हो गई, 17-18 साल की हो गई। तो भगवान कृष्ण और कुबड़ी मैया यहाँ अपने। अच्छा ये जो लीला जो द्वापर में भगवान कृष्ण के साथ में हुई है, ये लीला त्रेता से जुड़ी हुई है, बहुत पुरानी है। क्योंकि कुब्जा अपने पहले जन्म में त्रेता युग में सुपर्णखा थी, बहुत पुरानी लीला है। तो मैया ऐसे स्थान पर लोग बाग आते जाते बहुत आते हैं काफ़ी लोग आते हैं, भाई कायदा जो कुंवर के महीने में आते हैं काफ़ी लोग। वैसे भी आते हैं अंग्रेज वगैरह जो आते हैं दर्शन करने के लिए, सबको दर्शन कराए जाते हैं, ऐसी बात नहीं, किसी को मना नहीं किया जाता दर्शन सबको। क्योंकि भगवान कृष्ण की एक लीलाओं में से एक लीला है जो कि आज हम यहाँ पर कुब्जा और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पा रहे हैं। मथुरा में कहीं मंदिर नहीं है, कुब्जा कृष्ण जी का यही मंदिर है, एक ही मंदिर है। कहीं भी ढूंढ लेना आप पूरी मथुरा में, कहीं मंदिर नहीं मिलेगा, यही कुब्जा मैया का मंदिर। कितना रोमांच होता है हमारे अंदर कि भगवान कृष्ण का ये मथुरा, और मथुरा में भी वो जो कुब्जा जहाँ पर मिली, जो हम कृष्ण की सीरियलों में जो हम देखते आ रहे हैं, आज मथुरा में हमने उस स्थान को ढूंढा है। कृष्ण कुब्जा मंदिर के नाम से ये है, और दोनों विग्रहों के जो दर्शन हैं आप देख सकते हैं, हमारे एक तरफ कन्हैया हैं और एक तरफ कुब्जा मैया हैं, यानी एक भक्त और भगवान की प्रतिमा का दर्शन आज हम इस मथुरा नगरी में कर रहे हैं, जो कि होली गेट के पास में ये स्थान पड़ता है। और यहाँ पर जो मैया हैं हमारे साथ में, वो यहाँ पर यहाँ नित्य सेवा करती हैं जो ठाकुर जी की। तो सेवा तो वैसे आठों याम सेवा होती है ठाकुर जी की, लेकिन जितना हो सके उतनी सेवा आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप ये सेवा की जिम्मेदारी कब से आप पर? ये काफ़ी समस्या है, काफ़ी समस्या। मतलब आप जैसे कुछ लोग और रहते थे तो वो भी करते थे, उनके बाद में फिर हम कर रहे हैं। देखा बारी क्या करना है, कैसे करना, भगवान का जो भी बन जाए अपने हाथ पैरों से करते हैं। मेरा जितने भी दर्शक हैं ब्रज दर्पण के इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ग्रुपों में आपको शेयर करना है, और वो शेयर इसलिए करना कि आगे आप कभी जब यहाँ पर आएंगे तो आपको ये दिव्य दर्शन और दिव्य मंदिर के रूप में यहाँ कुछ परिवर्तन मिले। और हम मैया से और पूछेंगे, मैया सेवा में कितनी सामग्री लग जाती है, अगर कोई भक्त अगर यहाँ सेवा करना चाहे तो कोई उसमें परेशानी तो नहीं है ना? नहीं कोई परेशानी नहीं है, और भाई जी से पूछ लेंगे। अच्छा, हाँ जो सेवा मालिक हैं उनसे पूछ लेंगे। हमारी इच्छा है कि ब्रजदर्पण के जितने भी दर्शक हैं वो इस मंदिर में सेवा जरूर करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो सेवा आप बांट सकें भगवान कृष्ण की और कुब्जा मैया का ये मंदिर जो कि मथुरा में स्थित है। तो हम सबसे आपसे निवेदन करते हैं कि आप कुछ ना कुछ सहयोग इस मंदिर में जरूर करें। जब हम और आप भगवान कृष्ण और कुब्जा के मंदिर के सामने खड़े हुए हैं, ये लीला की शुरुआत होती है आपके त्रेता युग से। त्रेता युग जहाँ भगवान श्री राम वनवास में थे, तो लक्ष्मण जी और सुपर्णखा का जो प्रसंग आता है, सुपर्णखा लक्ष्मण को पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ नहीं हुई। तो कहते हैं कि शास्त्रानुसार त्रेता के बाद जब द्वापर आया जहाँ भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उस समय कुब्जा के रूप में यहाँ पर वो सुपर्णखा इस द्वापर काल में आई हैं, और कैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ में आज आप साक्षात जो दर्शन कर पा रहे हैं, जो प्रमाण के साथ दर्शन कर पा रहे हैं, कैसे भगवान ने जब कुबड़ी इस रास्ते से, कुब्जा इस रास्ते से होके जा रही थी जो कि हमने बाहर आपको परिक्रमा मार्ग में दिखाया है, उस रास्ते में उसको रोका है, और रोकते ही बोले हैं सुंदरी,
जब किसी ऐसे शरीर को कोई सुंदर बोलेगा तो उसको उपहास लगता है कि इन्होंने मेरे साथ ये किस तरह का बर्ताव किया है और आप मुझको सुंदरी कैसे बोल सकते हैं। ये जो मेरे नीचे रास्ता देख रहे हैं ये वही परिक्रमा मार्ग है जहाँ पर जहाँ की लीला मैं आपको बता रहा हूँ। जब सुंदरी बोला है भगवान कृष्ण ने कुब्जा को तो बार बार सुंदरी बोलते गए, बार बार सुंदरी बोलते गए। आखिरकार कुब्जा ने भगवान कृष्ण को पहचान ही लिया और जो चंदन कंस के लिए लेके जा रही थी, जो सेवा थी उनकी, वो चंदन आज भगवान श्री कृष्ण के लगाया है और भगवान कृष्ण ने इतना सुंदर शरीर कुब्जा को दिया है। ये सब हमने कृष्ण की लीलाओं में यहाँ पर देखा है। इस समय मैं मंदिर के बाहर के प्रांगण में हूँ और ये मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह की है। और हमारा आपसे विशेष निवेदन ये है कि ब्रज दर्पण के जितने भी भक्त लोग हैं वीडियो को शेयर करें, आपसे हो सके तो वीडियो को आगे भेजें ताकि आपसे नहीं किसी और से इस मंदिर का कुछ उद्धार हो पाए, ऐसा हमारा आपसे भाव है। और इस समय हम मथुरा में हैं, मथुरा नगरी में होली गेट के पास में ये स्थान है कृष्ण कुब्जा मंदिर के नाम से। आप जब भी कभी वृंदावन आएंगे या मथुरा आएंगे तो आपको इस दर्शन का लाभ लेना चाहिए, जहाँ पर जीवंत है कैसे द्वापर काल की वो घटना जो हम सीरियल में देखते हैं कि भगवान कृष्ण और उनकी परम भक्त कुब्जा का यहाँ पर मंदिर है। तो आज का हमारा ये छोटा सा दर्शन, हमारा ये प्यारा सा दर्शन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्रीधाम मथुरा से कृष्ण कुब्जा के मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।